तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मियां मुआज़्ज़ुल आलम और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ है। आज बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, ठीक है। वो क्यों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली मैंने ग्राफिक कार्ड ले लिया, वो ठीक है, RTX 3060, ठीक है, 12GB, ठीक है ना। तो आप देखते हैं MSI वर्जन है, वेंटस 2X यानी कि दो फैन के साथ है ये MSI वर्जन, ठीक है। इसमें चार डिस्प्ले एट अ टाइम आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इसका सारा, ठीक है ना। तो इसकी इसी वीडियो में अनबॉक्सिंग भी करेंगे, ठीक है, और अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको मैं अपने पीसी के अंदर फिट भी करूंगा, ठीक है। पीसी ऑन करके भी देखेंगे कि ऑन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आप पीछे भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये DDR6 है और 192 बिट का है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, तो इसमें एक HDMI पोर्ट है और तीन डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि एट अ टाइम आप लोग चार डिस्प्ले ले सकते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने लिया यार, पहले वाली जो थी ना पावर सप्लाई वो थी 400 वॉट्स की, तो 400 वॉट्स में ये नहीं था चलना, तो मैंने फिर 600 वॉट्स की ले लिया ये, ठीक है। तो ये लाइटिंग वाली है, पावर सप्लाई नीचे यानी कि जब ये फैन ऑन होता है ना तो उसकी लाइट्स ऑन होती हैं, तो ये मैंने ली है 600 वॉट की पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो ये वो पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो वॉरियर AK ये आप देखते हैं, इसका नाम है वॉरियर AK, ठीक है। तो ये अल्गो कंपनी की है, ठीक हो गया। तो ये तो मैंने लगा ली हुई है, तो मैं वहां से ही लगवा के आ गया था, क्योंकि यार ये ना बहुत खपना पड़ता है। पहले वो वाला पावर सप्लाई उतारनी पड़नी थी, फिर ये वाली लगानी पड़ी, तो मैंने जिनसे पीसी था ना लिया, मैंने वो वाली पावर सप्लाई वापस करा के, तो कुछ यानी कि और पैसे डाल के, तो ये वाली पावर सप्लाई ले ली, ठीक है ना। अब बताता हूँ इनके प्राइसेस, ठीक है। तो यार ये जो पावर सप्लाई मुझे पड़ी है, ये मुझे पड़ी है 7000 पीस की, ठीक है, ये वाली पावर सप्लाई। और जो ये मुझे कार्ड पड़ा, ये कितने का पड़ा होगा गैस करें आप लोग, ठीक है ना। आप लोग गैस करें, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये वाला कार्ड मैंने कितने का लिया, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताएगा, चीटिंग नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है ना, कि आगे करके तो आप लोग बता दें, चीटिंग नहीं करनी आप लोग, मुझे कमेंट में बताएंगे कितने का कार्ड लिया होगा, तो फिर मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कार्ड की, ठीक है, और इसको फिर अपने पीसी के अंदर फिट करते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम इसके चलते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये हमारा RTX 3060, ठीक है, MSI में है, Windows 2X, ठीक है। ये आपको दे सकते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले भी इस फुल डिटेल में, ठीक है। तो करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। और ये आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, इसको कटने साइड में, तो ये आ गया हमारा, इसको करते हैं ओपन, ठीक है। तो ये फॉर्म सा है, ठीक है, इसको कटने साइड में, और ये किसी का कोई मेरा ख्याल में, देखते हैं अंदर क्या क्या है इसके। तो इसके अंदर कुछ गाइड्स वगैरह हैं, ठीक है, और ये कोई ज्वाइन MSI रिवॉर्ड प्रोग्राम ना हो, ठीक है, ये कुछ कार्ड है, ठीक है, ये कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है ना, इनकी ये आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी करते हैं यहाँ से साइड में और देखते हैं इसके अंदर कुछ है, तो कुछ भी नहीं है, तो इसको यहाँ डालते हैं अंदर और इसको करते हैं साइड में। फिर फाइनली ये आ गया हमारा कार्ड, ठीक है, तो कार्ड को निकालते हैं कार्ड, तो ये आपको देखते हैं सील है, ठीक है। तो और तो इसके अंदर कुछ मेरा ख्याल में CD भी होती है यार, होती कि नहीं होती है यार, नहीं है, ठीक है। तो इसको भी करते हैं साइड में, तो ये आ गया हमारा कार्ड फाइनली, ठीक है। तो इसको मैं यहां से करता हूं ओपन, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं करता हूँ साइड में। तो यार ये आ गया हमारा फाइनली कार्ड, पोर्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है, एट अ टाइम हम चार डिस्प्ले इसमें से ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये GeForce RTX लिखा हुआ है इधर, और ये आप देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ से करते हैं अब अपने PC के अंदर इंस्टॉल। तो गाइस ये आ गया हमारा PC, ठीक है, तो इसको मैं आप खोलता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कार्ड को करते हैं इधर फिट, तो ये कार्ड आ गया हमारा, ठीक है, तो इसको करते हैं इधर फिट, ठीक है।
पहले लग चुका है, ठीक है। बस हमें अब ये लगानी बस पिन, ठीक है। उसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ। तो गाइस फाइनली लग चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ बंद, तो फिर इसको करते हैं ऑन पीसी को और देखते हैं कि चला है कि नहीं चला, ठीक है। तो गाइस करते हैं इसको ऑन। तो गाइस ये आप देख सकते हैं फाइनली हमारा पीसी ऑन हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, ठीक है ना। तो यार अभी इंशाल्लाह वीडियोस भी आया करेंगे, ठीक है, गेम प्ले इसके भी, जो जो भी आप लोग गेम कहेंगे उसकी वीडियो मैं लेके आया करूंगा, ठीक है ना। तो गाइस ये कार्ड मुझे मिला है तकरीबन 157